Hey friends, are you ready? Welcome to my channel. Assalamualaikum बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कुछ अच्छी आदत के बारे में जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करके कामयाब हो सकते हैं। रोज़ाना सुबह सवेरे उठना चाहिए, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी होती है। उठने के बाद दांतों को साफ़ करना, दांतों में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बालों को बनाना बहुत अच्छा होता है। हर रोज़ सुबह सवेरे नमाज अदा करना और एक रोज़ में 5 नमाज़ें अदा करना फ़र्ज है। कुरान पाक की तलावत करना और कुरान पाक को सीखना सवाब है। रोज़ नहाना और साफ़ सुथरे होना बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे नाश्ता करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा तैयार होकर स्कूल जाना, मिलजुल कर इल्म हासिल करना और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, से मिलजुल कर खेलना चाहिए और सबके साथ तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पढ़ाई में और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और इनका तज़िया करना चाहिए। सेहतमंद खेलों में हिस्सा लेना चाहिए, तैराकी में हिस्सा लेना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बिला नागा दूध पीना चाहिए, जो हमें सेहतमंद बनाता है। घर, इल्म के इदारे और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अपने खिलौनों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की खिदमत करनी चाहिए और उनके साथ प्यार एहतराम के साथ रहना चाहिए। आपके साथ मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त के साथ रहना चाहिए। मानों के लिए खुश आमदीद का जज्बा रखना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े से दूर इखलाक के साथ रहना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है।